वर्ग नवम के लिए मैं बच्चन कुमार झा संस्कृत कक्षा में चित्र निर्माण विधि बताते हुए ये चित्र पहले देखें, उसके बाद ये शब्द देखें। उद्यान से बगीचा, दृश्य मन दृश्य, वृक्षा मन वृक्ष, पुष्पानी मन फूल, बालका मन लड़का, सस्का मन खरगोश, अन्योन्यम एक दूसरे को, टोपिका मन टोपी, धारिति धारण करता, आश्चर्य आश्चर्य से, अंगुली मंगुली को, अधा नीचे, पत्राणी पत्ते, ये शब्द है। इन शब्दों की सहायता से मैं 5 सेंटेंस लेना है। हम अधिक भारी नहीं करें, अधिक लंबा सेंटेंस न करें, इसी व्याकरण का दोष होगा। अधिक अगर सेंटेंस लंबा करेंगे तो व्याकरणिक दोष होगा, अशुद्धियां होगी, लकार पर ध्यान रखें, छोटा सेंटेंस लिखें, तब जाके बनेगा। हम पहला सेंटेंस लेंगे, इदम इदम उद्यानस्य दृश्यमस्ति, इदम उद्यानस्य दृश्यमस्ति। या लिख सकते हैं इदम दृश्यम उद्यानस्य अस्ति, या दृश्य उद्यान का है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उद्याने वृक्षा सन्ति, उद्यान में बहुत से वृक्ष हैं, वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्ष में पत्ते हैं, तत्र एकः सस्का अस्ति, वहां एक खरगोश है, तत्र एक बालक अस्ति, वहां एक बालक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिया लिख सकते हैं इदम दृश्यम उद्यानस्य अस्ति, उद्याने एक बालक अस्ति, बालका टोपिकाम धारयति, तत्र एक शस्कः अस्ति, ते अन्योन्यं पश्यन्ति, वे एक दूसरे को देखते हैं, ते अन्योन्यं पश्यन्ति, वो एक दूसरे को देखते हैं। उसी तरह दूसरे फिगर को देखें, एक वृक्ष है, इतनी शाखाएं हैं, इतना शब्द है, वर्षा है, पत्राणी है, सत्यम है, बांद्रा है, उपविशंती है, मूर्खा है, नो है, कुजंती, ऊपरी, दातव्य, उपदेशा, शाखायाम, खगा, वर्षती, पीड़ियती, वृक्षस, इन शब्दों की सहायता से 5 सेंटेंस बनाना है। अस्मिन् चित्रे वृक्षस्य दृश्यमस्ति, इस चित्र में वृक्ष का दृश्य है। वृक्षे खगा निवसन्ति, वृक्षे खगा कूजन्ति, वृक्ष पर पक्षी कूजते हैं। खगा वृक्षे निजानि रचयन्ति, वृक्ष पर पक्षी घोंसला बनाते हैं। तत्र वर्षा भवति, वहां वर्षा होती है। वृक्षस्य अधः एकः बान्द्रः अस्ति, वृक्ष के नीचे एक बंदर है, इस तरह बना सकते हैं। या दूसरे तो इदम वृक्षस्य दृश्यम अस्ति, वृक्षे खगा अधः बान्द्रः अस्ति, वृक्ष पर पक्षी, नीचे बांदर है। वर्षा वर्षति, वर्षा बरसती है। खगा कथयन्ति, निजम कथम न रचयसि, पक्षी कहते हैं घोंसले क्यों नहीं बनाते हो,
मूर्खाय उपदेशा नोदातव्यम, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए।